अच्छा तुम्हारी साइकिल में क्या खास बात है बता दी? हेलो गाइस, मैं कृष्णा। तो फ्रेंड ये लीजिए, आपका चाहिए था कृष्णा आज फिर से हाजिर है ब्लॉग में। और आज मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ तो फ्रेंड्स, आपको गाँव आओगी काफ़ी याद आती होगी। और फ्रेंड आप जाते हो गाँव में, इस टाइम पे चाउमीन मोमोज ये तो अच्छी तरह से फैल चुके हैं मज़ेदार तरीके से। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको गांव की चाउमीन की याद दिलाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो फ्रेंड हमारी ये वीडियो चले फ्रेंड, इसको लाइक कर दिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ऐसी वीडियो आपको मज़ेदार आगे और भी मिलेगी, यहाँ पे धमाकेदार मज़ेदार। कि पीछे एक विलेज बॉय मतलब यंग सा लड़का मुझसे तो काफ़ी छोटा, वो चाउमीन सेल कर रहा था। फ्रेंड यहाँ पे चाउमीन खाने वाले हैं और शॉप का नाम है नीरज स्पेशल चाउमीन। ये हाँ, तो हम चाउमीन खाने वाले हैं यहाँ से, देखते हैं भैया जी कैसे चाउमीन बनाते हैं। भैया नहीं, मुझसे छोटा लड़का है, ये तो भैया ही कहता है। हाँ तो भैया जी देखते हैं नीरज भैया जी कैसी चाउमीन बना रहे हैं, चाउमीन खाएंगे हम। चलते हैं नीरज भाई का, वो चाउमीन खिलाते हैं बनवा के। बारिश का मौसम है एकदम मस्त। बाहर रोड पे यहाँ पर जा रहे थे तो यहाँ पे ये नीरज भैया हमको मिल गए चाउमीन बनाते हुए। मैंने कि चलो आज आपको आज विलेज की चाउमीन खाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बाहर रोड है, बाहर रोड का सीधे मेन हाईवे रोड है और इधर ये विलेज है पूरा। अंदर घुस के हम अंदर तो नहीं जाने वाले क्योंकि ये चाउमीन की शॉप हमें मेन स्ट्रीट पर ही मिल गई है, नीरज चाउमीन भंडार। तो भैया हमारी चाउमीन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं दो प्लेट खाने वाला हूँ। और चाउमीन का प्राइस वही 10 रुपये प्लेट हो गया, 10 रुपये प्लेट, 20 रुपये प्लेट। अपन ये होता है मैं 10 रुपये वाली दो प्लेट बनाने वाला हूँ, डंडे वाली नहीं बनाते। तो अपन ये हमारे नीरज भाई बना रहे हैं वाली चाउमीन। हाँ भैया काय को नहीं जल्लू जल्लू बनेगी। अच्छा तुम्हारी साइकिल में क्या खास बात है बता जल्दी? अच्छा बस बहुत बढ़िया है। तो जी खासी बात हमको तो सब साइकिल ने मिल जाएगी और क्या, सब बैठे थे चलाते हैं। और बाकी हम देख रहे हैं भैया की चाउमीन की खास बात। तो फ्रेंड ऑयल में डाल दिया है पत्ता गोभी और पत्ता गोभी को अच्छे से फ्राई करेंगे। ना कितना टाइम है फिर लगाते ना मतलब नहीं दिन एक साल तो फ्रेंड एक साल से ये छोटू साल लगा रहे हैं, एक तरह से अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी पार्ट टाइम जॉब। तो फ्रेंड पढ़ाई के साथ साथ हमारे नीरज कौन कौन तुम्हारा नाम? तो फ्रेंड ये रहे नीरज भाई, मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी करते हैं। अपन यही बात मुझे अच्छी लगती है गांव में, मतलब जो भी रहते तो मतलब अपना खुश ऐसा लेके चलते हैं, अपने घर वाल को संभाल के मतलब पार्ट टाइम कुछ ना कुछ चलना चाहिए साथ में। ये नूडल्स डालने के बाद और ये नमक मसाले जी काची खट्टा पानी, खट्टा पानी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी, पहले सबसे पहले खट्टा पानी डाला उसके बाद सिरका डाला, खट्टा पानी में नींबू होगा भाई, खट्टा पानी ये फ्रेंड, उसके बाद सिरका।
चिकन ये लीजिए, हमारी चाउमीन बन के तैयार है। अब दे दो प्लेट में, प्लेट में दो प्लेट का। और ये बच्चा पार्टी खड़ी है, किसी को खानी है, किसी को खानी है तो वही खा सकते हैं, हम खिला देंगे, हम खिलाएंगे। आ जाओ जल्दी आओ, देर का ही बात। हाँ तो लीजिए नेकी और पूछ। तो फ्रेंड हम ब्लेज बॉय के साथ मिल के खाने वाले हैं चाउमीन का, मिल के चाउमीन का मजा उड़ाने वाले हैं। अरे बस तुम मजा लो चाउमीन को। और मैंने कह दिया सबसे, अब देख लो, अब अबू शर्मा रहे, मतलब जिन्हों दे दो। और मैंने कह दिया सबसे एकदम खाओ, पेमेंट मैं करूँगा, जिसको भी खाना खाओ, पेमेंट हम करेंगे। ले लो या पूछ रहे, जाओगे तो छोटे बच्चे सही है, तो बढ़िया है। लोगों फ्रेंड गाँव में ये भी समझ है, मतलब ऐसी चीज़ कम खानी चाहिए, टेस्ट मतलब खाली स्वाद के लिए। अब तुम ही बताओ कैसी चाउमीन तो बढ़िया बनी है, नमक मिर्च है इसमें, नमक मिर्च सही बात है, चाउमीन बढ़िया बनी है, मेन बात है नमक मिर्च सही है। अब हमारे बिना भाई भी लेने जा रहे हैं, आज ही सामने फोटो खिंचवा ली है। तो फ्रेंड चाउमीन बनने के बाद उसके ऊपर से हरी मिर्ची डालिए, प्याज डालिए, ये प्याज डालने, हरी मिर्च प्याज और डालने के बाद ये, और 10 रुपये में काफ़ी सारी चाउमीन। और बाकी खाने का पता नहीं कितनी स्पाइसी है, क्योंकि गांव में काफ़ी स्पाइसी खाया था। और फ्रेंड खट्टा तो डाल ही दिया है, खट्टा तो ढेर सारा डाला है मेरे सामने। और हम अंकल को भी खिलाने वाले हैं, अंकल आ गए हमारे पास, एक अंकल आ जाओ, खानी आपको चाउमीन, ले लो एक चाउमीन ले लो। तो हम अंकल को खिलाने वाले हैं, अंकल बताएंगे रियल टेस्ट। अंकल जी आपको टेस्ट बताएंगे। मजा आ रहा है भैया, मजा आ गया फ्रेंड, पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं अपने मामा के यहाँ जाता था, मैं वहाँ से काफ़ी खाता था, क्योंकि मामा के यहाँ से जाऊँ मुझे करीब, मैं करीब 2012 में गया था, लेकिन अब मैं लंबू हो गया। अब अंकल जी भी खाने वाले हैं, प्याज डाल के अच्छी लग रही है ना अंकल जी, बताना कैसा टेस्ट है ना, प्याज डाल के खाने मजा आ रहे हैं। प्याज की मजा आता है, बनता है अंकल जी कह रहे हैं प्याज से टेस्ट बनता है, अंकल जी कह रहे हैं प्याज से टेस्ट बनता है मेन चाउमीन का। मजे आ रहे हैं पूरे नहीं, मजे आ रहा है, बढ़िया है, बढ़िया रंग से बढ़िया। तो बिना भाई टाइम आ चुका है पेमेंट करने का, पेमेंट बताओ 50 रुपये। और इतना मुझे खाने में मजा नहीं आता, इतना खिलाने में मजा आता है, सबसे बढ़िया सबसे अच्छी वो आदत मेरे में यही है। जैसे पेमेंट तो ज़्यादा होना चाहिए था। और कोई खाओ मानिकपुरा। तो फ्रेंड बाहर रोड से आप कभी जाते हो तो फ्रेंड मानिकपुरा विलेज पड़ेगा मेन रोड पर ही, तो वहाँ पर विलेज के बाहर ही आपको ये नीरज चाउमीन भंडार मिल जाएगा। अगर आप भी नीरज की चाउमीन खाना चाहते हो प्याज के साथ, क्योंकि प्याज के साथ आपको कभी मज़ा आने वाला, ये मैं कह रहा हूँ, टेक के दे रहा हूँ, प्याज के साथ मज़ा आने वाला आपको चाउमीन खाने में। तो जब भी गुजरो तो नीरज भाई को देखते हुए गुजरना, अगर आपको ठेल खुली मिल गई तो समझ लो आपकी किस्मत है, खा गई। और सच में सबके साथ खाने में मुझे मज़े आए, और उन भैया के कहाँ साथ जिनके साथ में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, इन्होंने आज मज़े दिलाए मुझे सच में। अपना नाम विकास, तो विकास भाई है इनका नाम, इन्होंने मुझे सही में मजे दिला दिए। अगर आपको विकास भाई कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक तो करने करना और शेयर करना, और जब भी यहाँ से गुजरना तो नीरज भाई को जरूर याद करना और विकास भाई को भी फ़ोन कर लेना ठीक है। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो में अगली बार, तो आज के लिए
पारा।